हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो दोस्तों काफ़ी सारे ट्रेडर्स को कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम आती रहती हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर एफ एंडो सेगमेंट एक्टिवेट नहीं किया था तो आप उसे बाद में भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत पड़ती है इनकम प्रूफ की। अगर आपकी इनकम नहीं है तो फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि कर्ज निकालकर एफ एंड ओ ट्रेडिंग नहीं की जाती। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एफ एंड ओ सेगमेंट आप किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना इनकम प्रूफ रेडी करके रखना है, जो भी आप अपना इनकम प्रूफ लगाना चाहते हैं वो। मैंने बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लिया, और जब आप डाउनलोड करेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से इसका नाम आएगा, जो कि अपलोड नहीं होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इसका नाम चेंज करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये नाम चेंज करके रख लिया है, ठीक है। पहले आप इसको भी दोस्तों ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तरह मैंने देखा है कि ब्रोकर इस नाम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वो ब्रोकर लॉगिन करना है जिसमें आप सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सेमको में आपको करके दिखा रहा हूँ, तो मैंने सेमको में लॉगिन कर लिया। अब आपको वहाँ पर जाना है जहाँ से ये सेगमेंट एक्टिवेट होगा। मैं अकाउंट सेटिंग में आया, यहाँ पर लिखा है एक्टिवेट एफ एंड ओ सेगमेंट, मैं एक्टिवेट पर क्लिक करूँगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए एक्टिवेट आप क्या करना चाहते हैं, दोनों ही एक्सचेंज में एफ एंड ओ सेगमेंट एक्टिवेट हो रहा है, और अब मैं इसको सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद देखिए अक्सर क्या होता है, आपसे बैंक स्टेटमेंट ही मांगा जाता है, मतलब कि इनकम प्रूफ, लेकिन यहाँ पर ये आपसे पैन कार्ड भी मांग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं गैलरी से अपना पैन कार्ड अपलोड कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर कौन सा प्रूफ अपलोड करना चाहते हैं, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, जो कि हमने डाउनलोड करके रखी है। अब हम यहाँ पर जाएंगे, अब ये यहाँ पर टेक फ़ोटो, मतलब कि हमें अपनी सेल्फी और अपलोड करनी है, जो कि सिर्फ सेम को ही मांगता है, बाकी के ब्रोकर में ये नहीं लगती है। तो मैं यहाँ पर अपना एक फ़ोटो मैंने दोस्तों ले लिया है। अब इसके बाद हम डन कर देंगे। अब ये यहाँ पर साइन करने के लिए बोल रहा है, तो इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तो हमारा है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है, हमने आधार कार्ड का नंबर डाल दिया है। सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम टिक करेंगे, सबमिट फिर से करेंगे, फिर से हमें यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, उससे पहले इस बॉक्स पर भी टिक करना है। अब हम रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, हमें UIDAI की, मतलब कि आधार कार्ड की साइड से ओटीपी रिसीव हो चुका है, ओटीपी हमने डाल दिया, वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा एफ एंड ओ सेगमेंट एक्टिवेट करने का प्रोसेस पूरा हो गया है। 24 से लेकर 48 घंटे तक वेट करना रहता है, तो ब्रोकर हमारा एफ एंड ओ सेगमेंट एक्टिवेट कर देता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी तक कोई डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट डीमैट अकाउंट के मैंने लिंक दिए हैं, वहाँ से आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए सेमको एक बेस्ट डीमैट अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारी जो ट्रेडिंग की गलतियाँ हैं उनको पकड़ता है, फिर हमें बताता है कि हम कैसे सुधार सकते हैं। तो इसको सेमको अनदेखा सच बोलता है, तो ये फीचर आपको वहाँ पर मिलता है। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सेमको आपके लिए एक अच्छा ब्रोकर हो सकता है, और अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो धन या फिर एंजल वन आपके लिए अच्छा ब्रोकर हो सकता है।